गाइडलाइंस फॉर मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च के लिए क्या हमारी तरफ से हदायत हो सकती हैं। मार्केट रिसर्च इज ईजियर फॉर ऑन गोइंग बिजनेस देन फॉर स्टार्टअप्स विद रेडिकली न्यू प्रोडक्ट। जो अगर आपकी ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है या आप जैसी प्रोडक्ट बाज़ार में मौजूद हैं वैसी एक नई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो मार्केट रिसर्च तो बड़ी आसान है, बिकॉज एक मार्केट है, उसके वेरियस सेगमेंट्स हैं कस्टमर्स के, आप उन सेगमेंट्स में से इन्वेस्टिगेट करके आप एक सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपने वो प्रोडक्ट बनानी है। मार्केट का साइज़ भी पता चल जाएगा, मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उनके भी साइज़ अलहदा अलहदा से पता चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो ये तो आसान काम, लेकिन एक प्रोडक्ट जो कि अभी आई ही नहीं, और ख़ास तौर पे ऐसी प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट है, जो कोई नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो उसके लिए मार्केट क्या होगी, तो ये तो आप विजुलाइज़ करेंगे, या तो एक जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लेके विजुलाइज़ करेगा कि विच वे दिस प्रोडक्ट विल गो। बिकॉज ये भी हो सकता है कि जो नई प्रोडक्ट आ रही है वो जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वो प्रोडक्ट कैटेगरी को ही चेंज कर दे, या इतनी ज़्यादा वो इनोवेटिव है कि पूरी इंडस्ट्री जो है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दे। सो हैविंग सेड सो, इवन देन जो मार्केट रिसर्च है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कम नहीं किया जा सकता। इन द केस ऑफ रेडिकली न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड इनफैक्ट द होल इंडस्ट्रीज में चेंज इफ़ इट इज़ वेरी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट और ए वेरी रेडिकल प्रोडक्ट, देन टेक्नोलॉजीज चेंज मे कॉज प्रायर मार्केट डाटा टू बिकम ऑब्सोलीट। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बिल्कुल कोई रेडिकली न्यू प्रोडक्ट है, तो जो हो सकता है कि जो इस वक्त मौजूदा जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा मौजूद है, वो शायद आपके किसी काम का ना रहे। सम रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स हैव क्रिटिसाइज्ड द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च फॉर एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केटिंग के, उनका ये ख्याल है कि एंटरप्रेन्योर के लिए, जो कि बड़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट खासतौर पे लेकर आ रहा है, उसके लिए जो प्रेजेंट डेटा है वो रेलेवेंट नहीं है। एंड डिसीजंस पर्टेनिंग टू रेडिकल टेक्नोलॉजीज चेंज, हाउएवर मार्केट एंड इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन इज स्टिल रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन। मार्केट को, मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मार्केट का प्रेजेंट साइज क्या है, इंडस्ट्री में इस वक्त टेंडेंसी क्या है, इस वक्त क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट और इंडस्ट्री में, इसको समझना फिर भी ज़रूरी है, बिकॉज योर प्रोडक्ट इज़ रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड दिस पर्टिकुलर मार्केट। बेस्ड ऑन एनविजनिंग द इम्पैक्ट ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, द न्यू रियलिटी कैन बी एस्टिमेटेड। जो भी फैक्ट्स हैं उसको मद्देनज़र रख के आप अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे, एंड इस एस्टिमेट को हम कहेंगे नॉट एस्टिमेटेड बट रादर गेस्टिमेटेड, बिकॉज इट इज़ अगेन बेस्ड नॉट ऑन द फैक्ट्स, बिकॉज फैक्ट्स तो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन आप इससे सिर्फ एक एनविजन कर सकते हैं, और वी कैन गेस्टिमेट यूजिंग डेटा एंड आर्गुमेंट्स, द गेस कैन बी मोटिवेटेड देयर आफ्टर। So it should account for the fact that true innovative technology leads to a fundamental reconceptualization of what the business is all about, that leads to a dramatically different way of playing the game in an existing business. To aap phir usko reconceptualize karenge, और के ये मार्केट सिचुएशन है, ये मार्केट साइज़ है, ये मार्केट का ट्रेंड है, ये मार्केट के इश्यूज़ हैं, ये इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं,
तो स्टिल दिस प्रोडक्ट इज़ बीइंग यूज्ड, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो यकीनन कि किसी रिक्वायरमेंट या किसी मार्केट की नीड को सामने रख कर आपने बनाई है, और जो उसकी जो प्रॉब्लम है या जो सेटिस्फैक्शन है कस्टमर्स की, मे बी द लेटेंट नीड्स एंड विशेष ऑफ द कस्टमर्स, उनको सामने रख कर वो प्रोडक्ट आपने डेवलप की है, तो आप कंसेप्चुलाइज करेंगे कि हाउ सक्सेसफुल दिस कैन बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड व्हाट मार्केट शेयर इट इज़ गोइंग टू अडॉप्ट इन द नियर फ्यूचर एंड द फार फ्यूचर बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग मार्केट।